फाइनली आ चुके मां समाजा आई देवगन की सिंगम अगेन एंड साथ में कार्तिक आर्यन के बुल प्लेयर 3 के कोने एपिसोड में वापस। तो आज बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 29 चल रहा है एंड फिफ्थ ऑफ फ्राइडे भी है एंड साथ में नेशनल सिनेमा डे यानी कि नेशनल सिनेमा लवर डे। मल्टीप्लेक्स में 99 रुपीज का प्राइस है वो रहने वाला है। भाई देखेंगे आज के दिन हमें कितना बड़ा जंप है वो देखने को मिलने वाला है। देखो ये वाला वीकेंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक देखो अभी जो शोज है नेक्स्ट वीक में भाई पुष्पा 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। तो जैसे ही बात है कि जो अभी शोज हैं चाहे सिंगम अगेन हो चाहे बुल प्लेयर 3 क्यों ना हो भाई नेक्स्ट वीक में ये शोज है वो नहीं रहेंगे। एंड जो भी अभी दिस वीक में कलेक्शन करेगी ये कुछ ऑलमोस्ट लाइफ टाइम फिनिश है वो रहने वाला है। एंड ये सिंगम अगेन की बात करें उनके पास गुड अपॉर्चुनिटी कि फिफ्थ ऑफ वीकेंड में एक बड़ा जंप दिखाए एंड अपना वर्ल्ड वाइड है वो 400 CR प्लस है वो लेके जाए। जो कि अजय की बात करें उनके करियर की बात करें ये पहली फिल्म है जो 400 करोड़ से ज्यादा भाई वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वो कर रही है जो कि उनके साथ कार्तिक आर्यन भाई उनकी तो शायद 300 भी नहीं थी एंड उन्होंने 400 करोड़ अजय के साथ 400 करोड़ भाई दिया कार्तिक आर्यन ने। ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है एंड वो भी विद क्रैश के साथ अगर हम दोनों की बात करें। चलो मूव करते हैं सबसे पहले हमारे पास डे नंबर 27 तक फिगर है वो कहां तक जाएगी एंड यस्टरडे अपने डे नंबर 28 क्या रिलीज एस्टिमेट्स है वो निकल के सामने आ रहे हैं एंड लास्ट में देखेंगे आज अपने डे नंबर 29 हमें कितना बड़ा जंप है वो देखने को मिल सकता है एंड टोटल ऑफ अपने वीकेंड में भाई कितना कलेक्शन है वो आ सकता है सिंगम अगेन एंड बुल प्लेयर 3। तो डे नंबर 27 समथिंग अराउंड 70 लाख के आसपास नेट कलेक्शन किया सिंगम अगेन एंड ये कुछ रहा तो 267.65 जाएगा अपने डे नंबर 27 तक इंडिया नेट एंड 315.80 CR ग्रॉस ओवरसीज 78.50 एंड वर्ल्ड वाइड 394.30 CR। एटलीस्ट एक बार मेकर्स ऑफिशियल नंबर दे सकते हैं कि कितना जा चुका है ओवरसीज क्या कलेक्शन है वो किए हैं वो तो भाई एकदम भाई अंडरग्राउंड हो चुके हैं। एंड नाउ मूव करें बुल प्लेयर 3 समथिंग अराउंड 1.15 CR नेट अपने डे नंबर 27 एंड 272.92 जाएगा नेट एंड इंडिया ग्रॉस 321.85 CR ओवरसीज 76 एंड वर्ल्ड वाइड 397.85 CR। हाँ यहाँ पे ऑफिशियली नंबर आ रहे हैं मेकर्स दे रहे हैं बट उन्होंने जो ऑफिशियली नंबर दिया एज अ वर्ल्ड वाइड भाई थोड़ा ज़्यादा है दिया जो कि ओवरसीज इतना कलेक्शन वो नहीं जा रहा है। चलो तो जो भी है अभी वर्ल्ड वाइड 400 CR प्लस जाना ये तो ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है एंड ये कुछ डे नंबर 27 तक का स्टेटस है। मूव करें अपने डे नंबर 28 थर्सडे के दिन तो हमें काफ़ी बढ़िया होल्ड है वो देखने को मिला है एंड हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। डे नंबर 28 65 लाख के आसपास दिख रहा है एज अ सिंगम अगेन एंड 28 बुल प्लेयर 3 1.05 CR मंडे 75 लाख सिंगम अगेन मंडे बुल प्लेयर 3 1.25 करोड़ एंड अपना फाइनल डे एज अ थर्सडे वीकडेज की बात करें 1.05 CR एस्टीमेट एंड 65 लाख देख रहे हैं सिंगम अगेन काफी बढ़िया हमें होल्ड है वो देखने को मिला एज अ वीकडेज की बात करें। लेट्स सी अब देखते हैं ये फाइनल नंबर है वो कहां तक जाएगा क्या जो एस्टीमेट मैंने आपको बताया यही रहेगा या फिर थोड़ा हियर देयर है हमें देखने को मिलता है। मे बी आज मेकर्स ऑफिशियल नंबर है वो दे सकते हैं चाहे बुल प्लेयर 3 हो या फिर सिंगम अगेन क्यों ना हो एंड ये कुछ स्टेटस है अपने डे नंबर 28 तक। मूव टू डे नंबर 29 नेशनल सिनेमा डे 99 रुपीज का प्राइस बाकी तो ठीक है। देखो हमें पता है कि बुल प्लेयर 3 एक अच्छा खासा भाई प्रॉफिट मिला है यहाँ पे मेकर्स को बट उन्होंने एक भी ऑफिशियली यहाँ पे पोस्टर वो नहीं छापा कि 99 रुपीज़ का प्राइस है मुझे तो देखने को नहीं मिला। क्या चल रहा है जो कि सिंगम अगेन की बात करें ये 2-3 पोस्टर वो दे चुके अब तक की बात करें। चलो ठीक है भाई अच्छा प्रॉफिट मिला है तो आएंगे ठीक है नहीं आएंगे तब भी ठीक है ऐसा कुछ भाई अभी सोच रहे हैं। यहाँ पे बुल प्लेयर 3 उनकी मेकर्स की बात करें नाउ मूव टू सिटी भाई मुंबई आए लगभग 36 आए शोज है वो हमें फीलिंग फास्ट नजर है वो आ रहे हैं सिनेपोलिस हो आईनेक्स हो PVR हो अच्छा खासा यहाँ पे हमें फीलिंग फास्ट शोज नजर है वो आ रहे हैं। ऑरेंज आज मुंबई के अंदर छाया है एंड बुल प्लेयर 3 33 से ज्यादा है दोनों की बात करें एज अ मुंबई काफी हमें मिलता जुलता यहाँ पे एडवांस कलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पब्लिक भाई आज 99 रुपीज का प्राइस है तो सिनेमा घरों में आती हुई दिखाई है वो दे रही है। इन दोनों की बात करें नाउ मूव टू दिल्ली NCR 52 से ज्यादा है ये भाई सिंगम अगेन के लिए तो एक लॉटरी है 52 से ज्यादा कहां दिल्ली
जो कि शुरू से वह स्ट्रगल की है, एंड 61 से ज़्यादा बूल ब्लेयर 3 एज अ फिलिंग फास्ट। तो एक अच्छा यहाँ पे हमें इंडिकेटर है वो देखने को मिल रहा है कि एडवांस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ मूव टू पुणे, 25 से ज़्यादा फिलिंग फास्ट है सिंगम, जो कि 35 से ज़्यादा बूल ब्लेयर 3। तो अच्छा ऐसा हमें जंप वो देखने को मिल रहा है, इससे पहले वीक डेज में 5-5, 6-6, कभी कभी तो एक भी नहीं था एज अ फीलिंग फास्ट, और आज 25 से ज़्यादा, एनसीआर में 50 से ज़्यादा, मुंबई 30 से ज़्यादा, एंड अहमदाबाद 17 से ज़्यादा फीलिंग फास्ट है, और आज गुजरात के अंदर काफ़ी हमें बढ़िया एडवांस करेक्शन वो देखने को मिल रहा है एज अ सिंगम अगेन, जो कि बुल भैया 3 केवल 6 है, शुरू से स्ट्रगल किया एज अ गुजरात के अंदर, जो कि अभी भी हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। एंड मूव टू जयपुर, 4 शो फीलिंग फास्ट है, एंड बुल भैया 3 सप्तिंग अराउंड 11 के आसपास है, पीवीआर काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिखाई है वो दे रहा है दोनों की बात करें एज अ जयपुर। एंड मल्टीप्लेक्स कहीं ना कहीं 35,000 प्लस टिकट्स है, हमें सोल्ड आउट है वो देखने को मिले हैं बुल भैया 3, जो कि 26,000 के आसपास टिकट्स है वो हमें सोल्ड आउट देखने को मिले हैं सिंगम अगेन के नेशनल मल्टीप्लेक्स पीवीआर सिनेपोलिस आईनेक्स के अंदर। सो ये स्टेटस है अपने डे नंबर 29 एडवांस बुकिंग। तो कंपैरिजन टू पिछले फ्यू डेज तो हमें अच्छा खासा जंप है वो देखने को मिला एज अ मल्टीप्लेक्स। सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट टुडे कि कितना कलेक्शन है वो आ सकता है। देखो सिंगम अगेन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं डबल हमें जंप है वो देखने को मिले, तो 1,30,000-1,50,00,000 के आसपास हम एक्सपेक्ट है वो कर रहे हैं। एंड मूव टू बुल भैया 3 कितना है, 3,01,00,000 प्लस, तो आज 2 करोड़ के आसपास उम्मीद कर रहे हैं, लेट्स सी देखते हैं कि इतना आ पाएगा या फिर नहीं। और हम कहीं ना कहीं बुल भैया 3 5.5-6 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन है वो देख रहे हैं अपने 5वें वीकेंड, इतना कुछ आ जाता है तो 5वां वीकेंड एक ब्लॉकबस्टर रहेगा। एंड बुल भैया 3 बुल भैया 3 सिंगम अगेन समथिंग अराउंड 3.5-4 करोड़ के आसपास, एंड सैटरडे संडे लेट्स सी देखते हैं कि भाई किस तरह का जाता है। और आप ये मान के चलो कि ये वीक इन दोनों के लिए फाइनल वीक है वो रहने वाला है, नेक्स्ट वीक पुष्पा आ रही है भाई, वो तो अच्छे खासे शोज के साथ मैदान पे उतरने वाली है। एज ऑफ नाउ जो प्रेजेंट नई फिल्में चल रही हैं भाई इनका ख़त्म होना कन्फर्म है भाई, वो तो 4,000 से ज़्यादा स्क्रीन्स एज अ नॉर्थ इंडिया में रिलीज़ कर रहे हैं, इवन इससे भी ज़्यादा हो सकता है ऐसा कुछ अभी सुनने में आ रहा है, ऊपर से AA फिल्म्स भाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ वही है एज हम बुल भैया 3 की बात भी करें, बट नहीं भाई वो तो अब ख़त्म कर देगा, वैसे भी ये फिल्म अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रही है, एंड सिंगम अगेन नहीं बचेंगे भाई शोज, एक अच्छा खासा कलेक्शन आ रहा है, वैसे भी अभी वीकडेज में लाखों में आ रहा है, एंड आफ्टर पुष्पा 2 ही 5-10 लाख एज अ वर्किंग डेज की बात करें, तो अभी जो 5th वीकेंड एंड वीकडेज में कलेक्शन आएगा ये कुछ फाइनल नंबर है वो रहने वाला है। हाँ 400 करोड़ से ज्यादा भाई जाना ऑलमोस्ट कन्फर्म ही है, तो ये दोनों की बात करें चाहे कार्तिक आर्यन हो या फिर मास महाराजा अजय देवगन, उन दोनों ने अपने करियर की बात करें फर्स्ट टाइम 400 सीरा प्लस है वो दी है एज अ वर्ल्ड वाइड क्रॉस। तो आई होप सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा, मैं डिवाइस एडवांस बुकिंग डिवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हूँ, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।